यूपी में हुए बवाल की बात करना बेहद जरूरी है। यूपी में दरोगा साहब ने महिलाओं को रिवॉल्वर तक दिखा दी है। क्या है पूरा मामला समझिए। जो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, वहां पर वोटिंग जारी है, लेकिन 2 सीट ऐसी हैं जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी में चुनाव हो और घमासान ना हो, ये तो हुआ ही नहीं है और ना ऐसा होने की कोई संभावना है। यूपी के उपचुनाव आए, साथ में तनाव लाए, अब तनाव हो क्यों रहा है? कौन सी वो तस्वीरें हैं जिस पर सपा ने सवाल उठाए हैं और क्यों यूपी में बरपा है हंगामा? पहले एक झलक देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूं ये बहुत ही सीरियस बात है। मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए। संविधान के खिलाफ काम करेगा, निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ काम करेगा। हमने निर्वाचन आयोग को दरखास्त दिया, इस पर कड़ी कार्रवाई हो। बवाल की तस्वीरें आई तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा बीजेपी बेईमानी कर रही है, धोखाधड़ी से चुनाव जीतना चाहती है। अखिलेश की बात भी सुनाएंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट की है, जहां सपा ने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने से रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर सपा सुप्रीमो की है, जो पुलिस अधिकारियों के नाम गिना रहे हैं और कह रहे हैं सबसे बदला लिया जाएगा। अब क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैसे इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, सुनिए। कुनरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रावत, मैनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएस ओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजने कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसमो के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रमेश श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज, ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा सेंट्रल कानपुर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले वाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे, धमका रहे कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को, प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम उन अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे, न्यायालय तक जाएंगे, सारी बात बताएंगे, सारी जांच करवाएंगे और ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कानपुर की बात हो, मुरादाबाद की बात हो या यूपी के मीरापुर की बात हो, सभी अधिकारियों के नाम उन्होंने लिए हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक कह रहे हैं सपा गुंडों की पार्टी है, लगातार वो ऐसे काम करते हैं, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं, जबकि अधिकारी, पुलिस अधिकारी अपना बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग हमने लगाई है वो दरअसल बाहर से कोई लोग ना आए, चुनाव को ना बिगाड़े, इसलिए लगाई गई है, ना कि किसी को वोटिंग से रोका जाए, इसलिए लगाई गई है। तो अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा पुलिस वालों का भी आरोप है, जबकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है अगर अधिकारी ऐसा काम करेंगे, मुस्लिम महिलाओं के बुरके उठाकर उनकी चेकिंग की जाएगी, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी और इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। अब 2 तस्वीरें आप देखिए, मीरापुर और सीसामऊ। पहली तस्वीर मीरापुर की है और दूसरी तस्वीर कानपुर के सीसामऊ सीट की। कहा जा रहा है कि कानपुर में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है जिससे लोग वोट डालने ना जा पाए, जबकि पुलिस का कहना है उन्होंने सिर्फ बॉर्डर इलाकों पर बैरिकेडिंग की है जिससे कोई असामाजिक तत्व दूसरे विधानसभा से आकर तनाव ना बढ़ाए। अब अखिलेश यादव ने किन किन अधिकारियों के नाम गिनाए थे वो आपने सुन लिया है, ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया है। अब आगे की अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से आदर्श सिंह जुड़ गए हैं। आदर्श जुड़ रहे हैं, तकनीकी कमी के कारण मेरे साथ जुड़ेंगे आदर्श, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव
सपा सुप्रीमो अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि विधानसभा के इस उपचुनाव को लेकर कोई समीकरण नहीं बदलेगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बीजेपी की सरकार रहेगी, लेकिन उस चुनाव की बहुत अहमियत है। उपचुनाव में 9 सीटों पर 7 की लड़ाई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यही उत्तर प्रदेश था जहां पर बीजेपी सपा से पीछे रह गई थी, और अब ये बीजेपी के लिए 9 की लड़ाई है। वहीं अखिलेश यादव की सपा के लिए भी ये पूरी जंग 7 की लड़ाई बनी हुई है। अब तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे एक मीरापुर में पुलिस वाला महिला पर रिवॉल्वर तान लेता है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इलेक्शन कमीशन से जांच की बात कर रही है। आदर्श ये बताइए कि मीरापुर में जो बवाल हुआ है, उसके बाद सीसामऊ में भी बीजेपी के विधायक हों या सपा के प्रत्याशी हों, दोनों ही बवाल कर रहे हैं, दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनके साथ बदतमीजी हो रही है। अब 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और कौन कौन से वो पुलिसकर्मी है बताइए। हिमांशु, देखिए यूपी में जिन 9 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से कई जगहों पर ऐसी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं कहीं बीजेपी इस तरीके के आरोप लगा रही है तो कहीं समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। और आपको बता दें कि करीब 9 पुलिसकर्मी ऐसे हैं, 7 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है समाजवादी पार्टी की शिकायत पर। ये 7 पुलिसकर्मी 3 जगहों पर सस्पेंड हुए हैं, सीसामऊ में 2, मुजफ्फरनगर में 2 और वहीं कुंदरकी में 2 से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात जो है वो करहल से निकल कर आ रही है। करहल में एक दलित लड़की की हत्या हुई है और इस हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लग रहा है। हत्या जिस लड़की की हुई है उसके पिता ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो यहाँ पर वोट करने मांगने के लिए आए हुए थे, लेकिन बीजेपी को वोट देने की जब बात लड़की ने कही तो आज उसकी हत्या कर दी गई है। इन सब के बीच में ना सिर्फ चुनावी गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, पार्टियाँ शिकायत कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ हत्या जैसा मामला भी सामने आया है। तो निश्चित तौर पर इन सभी मामले पर ना सिर्फ जांच होगी बल्कि कई पार्टियां जो हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, इस बात की भी मांग कर रही है कि इसकी जो है वो न्यायिक जांच हो, यानी किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इन सभी चीज़ों की जांच हो। तो निश्चित तौर पर मामला बड़ा है, 9 सीटें बहुत मुश्किल है कि इसमें किसी का कुछ नुकसान है, फायदा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आदर्श ये बताइए, मीरापुर की तस्वीर है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कैसे पुलिस वाला रिवॉल्वर तान लेता है। उसके बाद सीसामऊ की तस्वीर भी आई है जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस कह रही है कि हमने बैरिकेडिंग इसलिए की है कोई बाहर से ना आए, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही है। आदर्श, देखिए मीरापुर की जो अगर हम बात करें तो मीरापुर में पहले बताया जा रहा है कि शुरुआत में पब्लिक की तरफ से जब बैरिकेड लगाए गए थे तो पब्लिक की तरफ से उस पर पथराव किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, और उसी को रोकने के लिए पुलिस तरफ से बात की जा रही है कि रिवॉल्वर निकाली गई, पिस्टल निकाली गई ताकि उन्हें डराया जा सके, हवाई फायर किया जा सके। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं बीजेपी ने भी इन्हीं मसलों पर कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी में चुनाव आए और तनाव ना लाए, ऐसा भला थोड़ा ही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श।